बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेक्निकल झाजी के सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स में सबसे पहले पाइए। और हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं अनुप कुमार 3000 के नाम से सर्च करके। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्लेंडर ट्यूटोरियल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिसमस ट्री कैसे बनाते हैं। हाँ, ब्लेंडर के अंदर क्रिसमस ट्री जो आप सामने दिख रहा है वो कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, एक एक स्टेप एकदम डिटेल में बताऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार अगर आप लोग नए हो, और बस देखते रहिए वीडियो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ से हम स्क्रीन कास्ट की इनेबल करेंगे। यहाँ करने से आपको यहाँ जो भी मैं बटन दबाऊंगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको कर देते हैं डिलीट, ये चाहिए नहीं हमको। अब इसके व्यू पे जाके हम फ्रंट व्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के मैस में जाके हम सिलेंडर लेते हैं और इसको लंबा कर लेते हैं एस जेड डायरेक्शन में। लंबा कर लिए, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको थोड़ा सा स्विंग कर देते हैं। अब इस सिलेंडर को आप एडिट मोड में जाओगे और यहां से ये बटन, यहां से जाएंगे हम और ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे। आप कंट्रोल दबा के अगर सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया। अब एस दबा के इसको यहां से आपको ऐसे छोटा कर लेना है। अगर आप एडिट मोड से हटके ऑब्जेक्ट मोड में जा रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जिसमें आपको बेस जो है बड़ा दिखेगा और टॉप जो है ऐसे छोटा दिखेगा। थोड़ा से मैं एस दबा के बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, ये हो गया। ये काम करने के बाद आप फिर से शिफ्ट ए दबा के इस बार कोन लेंगे। पहले सिलेंडर लिए थे, अब कोन लेंगे, इसे थोड़ा कर देंगे बड़ा कुछ इस तरीके से। और बड़ा करने के बाद इसको कुछ ऐसे कर देंगे एस जेड करके, जेड डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं, इतना अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो कि कैसे करना है। अगर वो कंट्रोल जी शिफ्ट डी तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रैब होके एक नया बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, साइज ऐसे छोटा कर लेते हैं। नीचे वाले की साइड थोड़ी और बड़ा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट सही नहीं हो रहा। और इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। फिर आप ऊपर वाले को कंट्रोल जी शिफ्ट डी ऊपर, कंट्रोल जी शिफ्ट डी इसको ऊपर करिए। इसके बाद आप इस सबको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जे दबाइए। आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है अलग हो गया। अब आपके पास दो पार्ट है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अभी मटेरियल पे जाके न्यू क्लिक करना है, न्यू मटेरियल। इस न्यू मटेरियल पे ये सरफेस में आप एक कलर ले लो, एक बढ़िया कलर। वैसे पेड़ का कलर ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। ये कलर ले लिया, इसकी इंटेंसिटी फुल कर देते हैं और ये कर दिया, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। इसको करने के बाद आपको एक नया चीज बता रहा हूँ, यहाँ जाना, इमिशन टाइप में जाना है हेयर पे। इस हेयर पे जाके इसके बाद आप देख सकते हो इसके बहुत सारे अजीब करीब के बाल उग गए। आपको इसमें एडवांस में जाना है, थोड़ा एडवांस में जाके आपको कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि इमिशन ज्योमेट्री, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। दो तीन फाइल करना है जिससे आपको लगे कि हाँ काम हो गया, वो आप डाल देना। और इसके बाद यहाँ पे भी आपको डालना है 0.0 0.1 करके देखते हैं, और आपको पता तब चलेगा जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ इमिशन करोगे। 3 लाख करो आप, करो। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपको दिखाता हूँ कैसा बनेगा। ये देखो ऐसा कुछ बन गया। आप तो 2 लाख पे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, अब डाल सकते हो। तो ऐसे रहने देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे, आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा लगता है। तो कि ये एक पेड़ बन गया। अब इसका जो ये नीचे जड़ है इसको भी कलर कर देते हैं।
इसको भी कलर करते हैं तो इसका कलर भी हम वैसे ही डालेंगे, वही रहेगा और तो कोई दूसरा कलर रहेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे तुम्हारा एक पेड़। अब इसको में ना इसमें कुछ जैसे होता है आपने होगा क्रिसमस ट्री में थोड़े थोड़े कुछ मटेरियल लटके होते हैं इसके ऊपर, आपको हमको वो लटकाना है। तो हम ओरिजिनल में कोई मटेरियल तो डालेंगे नहीं, मैं आपको एक स्टाइल बताता हूँ। यहाँ से शिफ्ट ए दबा के मैस में आप दबाओ ये यूवी स्फेयर। ठीक है, इस यूवी स्फेयर को ले आते हैं यहाँ पे, साइज इस दबा के छोटा कर लो आप जितना छोटा कर सको। और आपको इन सबके वर्टिसेस पे इसको लगाना है, स्फेयर को शिफ्ट डी यहाँ पे, फिर डी यहाँ पे, शिफ्ट डी यहाँ पे, शिफ्ट डी यहाँ पे। ठीक है, सारा सिलेक्शन हो गया, आपने देख लिया, मैं सारा बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे कलर कर दिए हैं, काफी सारे अभी बचे हुए हैं, लेकिन आप अपने में कर लीजिएगा, ये एजुकेशन पर्पस है तो मैं नहीं कर रहा यार, थक गया मैं कर करके। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके आपको करना पड़ रहा है। अभी क्या करेंगे, अब हम इसको स्मूथ करेंगे, इस सबको ना एक करके पकड़ के, जैसे ऐसे करके पकड़ के सबको, और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सबको पकड़ के उसको स्मूथ करना है। ठीक है, तो यार पेड़ तैयार हो गया, इस पे लाइटिंग भी होगी, थोड़ी बहुत एडिटिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी क्या है, आप अगर चाहो तो इस पेड़ के नीचे कुछ गिरते हुए सामान रख सकते हो, जैसे मेस में जाके आप एक क्यूब ले लो बड़ा सा, और इस क्यूब को थोड़ा सा बड़ा करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ एडजस्ट कर लो जैसे कि। उसके बाद स्फेयर ले लो, इसको भी स्मूथ कर सकते हो आप, स्फेयर ले लो, उसके बाद स्फेयर ले लिया आपने, इसको भी हमने यहाँ से यहाँ रख दिया। तो समझ लो कि ये एक तरह से ये वो है चॉकलेट वगैरह सब जो गिरते हैं ना, तो वो सब है। तो ये चीज आप देख सकते हो, ये सब सामान है जो नीचे गिरा हुआ है। हम एक कैमरा ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ सेलेक्ट करके मैस में कैमरा, इस कैमरा को थोड़ा ऊपर ले आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे कुछ ऐसा है, एक बार कैमरा भी देखते हैं। तो अपना कैमरा भी एडजस्ट हो गया और ट्री भी तैयार हो गई, गिफ्ट भी नीचे गिर गया है। अब फाइनली चीज क्या करेंगे, हम रेंडर करेंगे इसको, रेंडरिंग करके। अगर आपको मैं थोड़ा रेंडर वाले उसमें दिखा दूं तो प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे वो भी डालना पड़ेगा, लाइट लाइट सोर्स नहीं डालेंगे तो भैया बेकार लगेगा। तो शिफ्ट ए, और यहाँ हम डालते हैं लैंप, लैंप में हेमी। तो देख सकते हैं आप रेंडरिंग में कितना अच्छा लग रहा है। बस यही था ट्यूटोरियल, आप बनाओ और एंजॉय करो, और मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, एंजॉय। दोस्तों आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप टिकटॉक में जाके सर्च पे जाके अनुप कुमार 3000 सर्च कीजिए। दोस्तों अनुप कुमार 3000 लिखते ही आपको सबसे पहला वाला जो अकाउंट आएगा उस पर क्लिक कर देना है, और वहाँ पे लाल कलर में जो फॉलो लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको मेरे सारे वीडियो जो है दिख जाएंगे, आप उस पर एक एक वीडियो प्ले करके उस पर लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप ड्यूएट बना सकते हैं मेरे साथ और रिएक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स आप लोग बनेंगे।